बहुत बेहतरीन मूवी है, एक्शन भी है थोड़ा बहुत। किस तरह से लगा? अरे उनका तो धांसू, उनका तो हम लोग फैन है, सनी देओल के वजह से ही हम लोग फिल्म देखने आए। गाने बहुत माइंड ब्लोइंग, बहुत, अरे फाइव स्टार, अच्छी थी एकदम, नाइस, बहुत कॉमेडी थी। हाँ बहुत अच्छी, मतलब शादी बहुत अच्छी आ जाए। हाँ अरे सनी देओल तो सनी देओल एकदम मस्त। चलो भी मैं बिजी हूँ। हाँ तीन चार कम से कम दे। बहुत अच्छी फिल्म लगी, धर्मेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बॉबी जी बहुत स्मार्ट लगे हैं, बहुत अच्छी फिल्म है, वो दोनों से बेटर अच्छी फिल्म है। बहुत बहुत कॉमेडी फिल्म है, सब लोगों ने अच्छा काम किया है। सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी आपको? धर्मेंद्र जी की लगी। सर वो दो पार्ट आए थे आगे, उससे कितनी बेटर? उनसे बेटर है, बेटर है, उनसे अच्छी फिल्म। सलमान खान का? सलमान जी बहुत स्मार्ट लगे हैं और सॉन्ग बहुत बढ़िया है, वो सुपर डुपर सॉन्ग हिट है पहले से ही, बहुत अच्छा लगा था। फोर स्टार दिया। झाड़ो के सर अच्छी थी फिल्म, लाइट हार्टेड फिल्म है, और क्या उसे कहते हैं, फैमिली के साथ बैठ के, फैमिली एंटरटेनर है, फैमिली के साथ जो लाइट हार्टेड जोक्स होते हैं है ना, जो फैमिली को देख के मज़ा आता है, वो वाले जोक्स नहीं जो डबल मीनिंग वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, साफ़ सुथरी सी फैमिली वाली एंटरटेनिंग फिल्म है, मज़ेदार है यार, अच्छी है। जो पार्ट टू से निराशा हुई थी ना हल्की सी, वो इसने पूरा कर दिया, इसमें मज़ा आया बहुत। सबकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, बेस्ट तो धर्मेंद्र जी है, धर्मेंद्र जी मतलब 80 साल के हो चुके हैं लेकिन यार आज भी क्या चाम है, और मतलब इतने क्या डेडिकेटेड दिखते हैं, इतने डेडिकेटेड दिखते हैं, सो वो है भी बात, आजकल के एक्टर्स को देखो दो फिल्में करते हैं सीना चौड़ा कर लेते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी धर्मेंद्र जी है और सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आज भी उनमें वो पैशन है। 3 stars out of 5, थैंक यू। पहला पार्ट बहुत अच्छा था, दूसरा थोड़ा सा ढीला लगा, बट तीसरा जबरदस्त, मज़ा आ गया देख के, यूँ लोटपोट हो रहे हैं सब देख के, इतनी अच्छी कॉमेडी, कोई गलत सीन नहीं, पूरी फैमिली जाके देख सकती है, और अच्छा मतलब बस परफॉर्मेंस सब ने अच्छी की, बहुत अच्छी की। 5 5 5। देखो यमला पगला दीवाना अभी देख के निकला हूँ, पूरा इंजॉय किया है, ये उम्मीद थी जब देखने गई तो पहला पार्ट बहुत बढ़िया था, सेकंड पार्ट थोड़ा डाउन हो गया, तो ये सोच रहे थे कि यार ये थर्ड पार्ट कैसा निकलेगा, तो ये उम्मीद थी देखा, लेकिन जैसे फर्स्ट पार्ट था ऐसे ही थर्ड पार्ट है, पूरा एंजॉय किया है, और बॉबी देओल बहुत हैंडसम लगे हैं, तीनों बाप बेटों की केमिस्ट्री कमाल है, और खास तौर से शत्रुघ्न सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी जो एंटी और धर्म जी के आपस में जुगलबंदी होती है वो अल्टीमेट है। परफॉर्मेंस देखो क्या है कि ना, सब ने अपने आप में इतिहास लिख रखा, सारे एक्टर अपने आप में बहुत कमाल एक्टर हैं, लेकिन जो बॉबी भैया ने परफॉर्मेंस की बहुत कमाल की, बॉबी देओल जी ने, कीर्ति खरबंदा ने बहुत अच्छा काम किया, सारे एक्टरों ने बहुत काम अच्छा किया है, लेकिन जो है बॉबी जी मुझे बड़े स्वीट लगे, इस उम्र के कितने भी स्टार हैं जितने सारे उठा लो सबसे हैंडसम लगे बॉबी देओल जी। हाँ सलमान खान जी का जब मूवी देख रहा था तो मैं वेट कर रहा था कि सलमान खान जी कब आएंगे कब आएंगे, कि सलमान खान जी अपने आप में इतने बड़े स्टार हैं, या फिर दूसरे धर्मेंद्र जी जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की दुनिया के दिलों में राज कर रखा है, तो ये दोनों एक साथ आएंगे तो वो देखने की कैपेसिटी बढ़ी हुई थी मेरी भी, जब दोनों आए पूरे शोर शराबा मच गया हॉल के अंदर। बढ़िया स्टोरी है, पूरी फैमिली के साथ देखने वाली स्टोरी है, कॉमेडी स्टोरी है सबका, आप ऐसा नहीं कि मतलब कि यार फैमिली को लेके जाएंगे दिक्कत जाएगी, बेटी के साथ चले जाओ, बहन के साथ चले जाओ, पत्नी के साथ चले जाओ, पूरा एंजॉय किया सबने। सॉन्ग सारे बहुत बढ़िया, सारे सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, लिटिल लिटिल वाला बहुत अच्छा सॉन्ग है, लेकिन पहले फेमस है रफ्तार रफ्तार, तो सब लोगों के दिमाग में चढ़ गए, सॉन्ग अच्छे हैं। डायलॉग ये है कि बॉबी देओल जी बोलते हैं वहाँ पर कि सबकी माँ बोलती है मेरा लाल आ गया मेरा लाल आ गया, लेकिन मुझे बोलते सब मेरा काला आ गया काला आ गया, तो अच्छे हैं सारे, अच्छे डाय। देखो मैंने एंजॉय किया पूरा पिक्चर का, मुझे बड़ा मजा आया, तो मेरे हिसाब से 5 स्टार है, अब मेरे चाहते स्टार हैं 5 स्टार।